Hello everyone, welcome to all of you. My name is Pooja Rawat and in today's session I'll be discussing what sort of things you need to avoid while you're preparing for NABARD grade A. Alright? So before we go further, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group, wherein you can post your queries and you will get the PDFs of all our sessions. All right. So let us begin. Now, what are the things that you need to avoid? जो बिल्कुल नहीं करनी है जबकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, और स्पेसिफिकली हम यहाँ NABARD grade A के बारे में बात करेंगे. बट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू NABARD grade A एग्जाम ओनली. ऑलराइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर एनी एग्जाम, यू नीड टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज नॉट नोइंग योर एग्जाम वेल. ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप पहले एग्जाम को जानने की कोशिश ही नहीं करते, डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधे के सीधे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस देखा और प्रिपरेशन शुरू कर दिया, है ना. लेकिन आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को पूरी अच्छी तरीके से समझना है. अगर आप अपने बैटल ग्राउंड को ही नहीं समझेंगे तो आप उस बैटल को विन कैसे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू विन अ बैटल यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ योर बैटल फील्ड. राइट, सो किस तरीके से एग्जाम को जाना जा सकता है, फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस. ठीक है, नोटिफिकेशन आता है, गो थ्रू द सिलेबस. ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट कम्स इन योर एग्जाम, क्या सेक्शंस हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं. ठीक है, जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्शन हैं और किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या पूछा जाता है. ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. देन एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, उससे आपको पता चलेगा किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते थे. कि सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू पुट मोर फोकस ऑन. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिससे कि हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस उस चैप्टर में एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हर साल उससे क्वेश्चन आ जाएंगे. तो यू नीड टू हैव अ स्मार्ट प्रिपरेशन. ठीक है, तो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टू ऑप्टिमाइज योर टाइम और टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर प्रिपरेशन, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन इज सिलेबस. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ योर सिलेबस एंड देन यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अब आप अपने एग्जाम को अच्छे से समझ गए तो इट विल हेल्प यू प्लान योर स्टडी. ठीक है, और देन यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The next thing that most of the students do is not knowing why you want to prepare. This why question is very important. जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हैं, आपने इस बारे में सोचा ही क्यों. ठीक है, तो दिस इज द आंसर दैट विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं ना कि 15 दिन की प्रिपरेशन है, 20 डेज की प्रिपरेशन है, यू नीड अ गुड 6 month टाइम फॉर दिस, फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम. राइट, तो बहुत लंबा टाइम है एंड यू शुड हैव अ मोटिवेशन, यू शुड हैव अ क्लियर गोल कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग, राइट, एंड वाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो अगर आपको नहीं पता होता, यू विल लूज मोटिवेशन एंड यू विल सम हाउ टेंड टू क्विट दिस प्रिपरेशन फेज. ठीक है, प्रिपरेशन फेज है, आप बहुत ज़्यादा लो डेज भी आएंगे जिस टाइम पर आप चाहेंगे कि I should quit this exam. ठीक है, this is very hard. I cannot understand what's there in it. Right? So you'll have this tendency to quit this preparation. So उस time पे, उस low phase में, it is very important that you should have a clear goal, the clear aim or the clear purpose for this exam. ठीक है, तो वो why जो question है ना, why का जो answer है,
इसे अपने नोटिस बोर्ड में सबसे पहले आगे लगा लो, ठीक है। तो जब भी आपका लो फेज हो, वो लो डेज हो, जब आपको कोई मोटिवेशन ना मिल रहा हो, तो आप उस आंसर को पढ़ ले, जिससे कि आपको दोबारा से ये रिमाइंड करवाएगा वो आंसर बार बार कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो इट शुड बी वेरी क्लियर। तो फर्स्ट थिंग, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कुछ देखे थे, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत एंथू होता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर 10 दिन 15 दिन बाद क्या होता है, आपका लो फेज शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड में ये एक वाई का आंसर जो है वो पेस्ट कर लें। नाउ नॉट डूइंग स्वॉट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस नहीं करते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज नोइंग योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, ठीक है। आप अगर नबार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर 8 सेक्शंस आ रहे हैं, तो हो सकता है ना आपके कुछ सेक्शन हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका सी सेट बहुत स्ट्रांग हो, मैथ्स इंग्लिश वाला, वर्बल रीजनिंग, ये सब स्ट्रांग हो, और आपका ARD वीक हो, या हो सकता है कोई UPSC की अगर प्रिपरेशन पहले से कर रहा हो तो उसका क्या हो सकता है, ESI बहुत स्ट्रांग होगा, है ना, स्कीम्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग होगा, डिस्क्रिप्टिव काफ़ी स्ट्रांग हो, एग्रीकल्चर हो सकता है बहुत ही पुअर हो। तो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ कि आपके स्ट्रांग एरियाज कौन से हैं, यू शुड नो योर वीकनेस, आपके वीक एरियाज क्या क्या हैं, तो आप पहले से उसको आइडेंटिफाई कर ले और उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। देन ओ स्टैंड फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन लूज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी एबल टू टैप वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड देन द थ्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वट वट इज एट स्टेक वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या स्टेक पर आपने रखा है, हो सकता है किसी ने अपनी जॉब क्विट करी हो, ठीक है, या फिर आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं कोई एग्जाम निकल रहा, राइट। तो योर एंटायर करियर इज एट स्टेक, तो यू शुड नो वट आर योर स्ट्रेंथ, योर वट आर योर वीकनेसेस, वट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन टैप, और वट आर द थ्रेट्स दैट आर देयर, राइट, वट आर द थिंग्स दैट आर एट स्टेक वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोकास्टिनेशन, हम सब करते हैं, ठीक है, और हमने किया है जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो प्रोकास्टिनेशन सबसे डेंजरस चीज़ है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, प्लान बनाते रहते हैं, टाइम टेबल शिफ्ट होता रहता है ना, पहले हम 6 मंथ का टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हम 4 मंथ का बनाते हैं, फिर हम 2 मंथ्स का बनाते हैं, फिर लास्ट में 1 मंथ का बनाते हैं, हम टाइम टेबल ही बनाते रहते हैं, बट वी डू नॉट एक्चुअली टेक एक्शन, वी डू नॉट एक्चुअली टेक इमिडिएट एक्शन, ठीक है। सो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड दिस, ठीक है, टेक इमिडिएट एक्शन। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर टाइम टेबल, वंस यू हैव सेट योर गोल्स दैट यू हैव टू सेट इन दिस एग्जाम, देन टेक इमिडिएट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। देन अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, स्क्रॉल करते रहते हैं, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, राइट। सो अवॉइड दिस, डोंट वरी अबाउट बीइंग लाइक्ड ऑन द फेसबुक और इंस्टा, कोई पोस्ट आपने डाल दी तो आप बार बार चेक मत करो कि किसने लाइक किया किसने नहीं लाइक किया, राइट। सबकी टेंडेंसी होती है ना, हमारी भी है, हम भी अगर पोस्ट डालते हैं तो वी हैव अ टेंडेंसी टू रीचेक इट, राइट। सो अवॉइड दैट, डोंट वरी, ठीक है, आप इंस्टा पे फेसबुक पे आपको कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं लाइक कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेंबर योर मेन लाइफ गोल, ठीक है, आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या पर्पज़ है, उसको याद रखिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, लिमिट योर टाइम, ठीक है, मे बी 1 आवर अ डे यू विल कीप दैट फॉर सोशल मीडिया, नॉट मोर देन दैट, ऑलराइट। और नॉट मेकिंग प्रॉपर शेड्यूल, अब अगर आप प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते, अपना टाइम टेबल नहीं बनाते, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइम टेबल फॉर दिस इज अ दैट वाज आई गेस अ 4 मंथ टाइम टेबल फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जाम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस हो रही है प्रेपरेशन की, ऑलराइट। व्हेन यू डू नॉट मेक प्रॉपर शेड्यूल, यू डू नॉट ऑप्टिमाइज योर टाइम, आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं, आपके दिमाग में रहता है कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट यू लूज योर टाइम, यू लूज योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर टाइम फॉर द गिवन एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। वंस यू हैव made a proper schedule, then you can act accordingly, you can plan accordingly, right, and everything will fall in place. So this is very important, this is what I wanted to discuss,
since this NABARD exam can be there in the upcoming 2-3 months, okay, we are expecting that. So just make a proper schedule. I've already given the timetable. Go through that, right? And act, right? Don't just think, don't procrastinate. Act smartly, smartly, act immediately, all right? So this was all about from my side. I wish you all the best. I'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep studying.